आज की रेसिपी फ्रेंड्स आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की सबसे शानदार और भरपूर स्वाद वाली कटहल की सब्जी। आप लोग कटहल की सब्जी कई बार बनाई होगी, लेकिन आज यह स्पेशल कटहल की सब्जी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, घर गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। तो उसके लिए यहाँ पे कटहल लिया है, तो इसको काटने से पहले कुकर लेंगे और उसमें 2 कप पानी लेंगे। इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, नमक 1 चम्मच, इसी पानी में हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, तेज़पत्ता, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, उसके लच्छे बना के इसमें ऐड करेंगे। इसे रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब तक पानी बॉईल होता है तब तक हम कटहल काट लेते हैं। तो यहाँ पर ये कटहल लिया है, ये 1/2 किलो कटहल है, इसके पीस काट लेंगे, बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे नहीं, तो इस साइज में मैं पीस कट कर रही हूँ। ये जो सामने लगा है इसे नहीं काटेंगे, इसको साथ में रहने देंगे, नहीं तो जब हम सब्जी बनाएंगे तो ये पूरे रेशे बिखर जाएंगे। इसी तरह से सारे कटहल को काट लेंगे। यहाँ पर सारे कटहल कट चुके हैं। पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब इसमें सारे कटहल को डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। मीडियम साइज की प्याज लेंगे और उसको रफली चॉप कर लेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है, अब गैस को बंद कर देंगे। 2 टमाटर लेंगे और इसे बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन है, ये 2 मीडियम साइज के प्याज है और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर है। अदरक लहसुन और प्याज को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है और गैस भी निकल चुकी है, अब खोल के देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से पक गया है, ये सिर्फ 60% ही हमें पकाना है, इसको गलाना नहीं है। अब इसे छान कर एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे अलग बाउल में निकाल के रख लेंगे, बाद में हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं, तो इसको रखते हैं साइड और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर वही कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और इसे खूब धुआं आने तक गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल में से धुआं निकलने लगेगा उसमें उबले हुए कटहल डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब सारे कटहल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कटहल को फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया है उसी में हम आगे की सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तेल में तेजपत्ता ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची खोल के, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, लौंग, जीरा और काली मिर्च 1/2 चम्मच उसे ऐड करेंगे। मसाले भुनने के बाद 2 मिर्च इस तरीके से खोल के डालें या फिर सूखी लाल मिर्च ऐड करें। अब इसमें मोटा
पिसा हुआ प्याज या फिर आप बारीक बारीक काट के भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से पकाएंगे। प्याज को भूनते हुए कुछ समय हो चुका है, प्याज लगभग पक चुकी है, ये देखिए। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज के कटे हुए दो टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी टाइम पर इसमें सूखे गरम मसाले भी डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आपको कितना तीखा पसंद है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चम्मच मीट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ना ऐड करें, लेकिन इसको डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे ढक देंगे और बीच बीच में खोल के चलाते रहेंगे। टमाटर अच्छे से गल गया है, दबाने से मैश हो रहा है। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, वही पानी ऐड करेंगे जो कटहल उबालने के बाद बच गया था। इसे मिक्स कर देंगे और अब मसालों की भुनाई होगी, तो इसमें ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में खोल के हम चेक भी करते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें तेल नहीं छोड़ देता। मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी छोड़ने लग गया है। मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब जो फ्राई करके कटहल रखे थे उसे डाल देंगे। कटहल को भी मसालों के साथ थोड़ी देर भुनाई करेंगे ताकि जो है मसालों का जो फ्लेवर है और जो उसका टेस्ट है वो भी कटहल के अंदर आ जाए। ये भी अच्छे से भून चुका है, यहाँ पे तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है सब्जी ने। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी जो हमने कटहल बॉईल किया था बचा हुआ पानी वही ऐड करेंगे इसमें। बाकी अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो तो आप ऊपर से पानी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ग्रेवी भी ठीक है। अगर आपको ग्रेवी और चाहिए तो इसी समय यहाँ पे पानी और ऐड कर लें। इसके बाद कुकर में ढक्कन लगाएंगे और गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे 2 सीटी तक इसे और पकाएंगे। गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको खोलेंगे। कुकर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसको खोल लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा सुंदर कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कटहल भी पूरी तरीके से गल चुका है, एक निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से गला है, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इसको बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं
अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।